ना करते हैं हम खाना स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट है फिर भी काम हो जबरदस्त सॉफ्ट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको कहा था, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम सहरी में क्या क्या पकाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलें, समीना हमारे साथ हैं। हाँ, और पिछली वीडियो में हम इतने बैड कमेंट्स किए कि किचन ऐसे था वैसे था, तो किचन ऐसा ही होता है सबके घरों में, मतलब गंदा। मैंने आपको मेंशन किया था वीडियो में कि समीना की तबीयत हो गई थी खराब, तो वैसे सब कुछ छोड़ के सहरी के बाद खाना खाना खा के हमें सेट नहीं किया था। सही हो, फिर कुछ भी नहीं इंसान करता। वीडियो का मेन टाइटल यही था कि बिजी डे में क्या क्या मतलब करना पड़ा हमें। वीडियो का टाइटल आप पढ़ लिया करें, फिर बाद में कमेंट किया करें। तो चले कोई बात नहीं, सहरी बनाते हैं आज। और माशाल्लाह बिलाल जो है पराठा खाएंगे, क्योंकि बहुत एक हफ्ता हो गया था बिलाल पराठा नहीं खा पा रहे, कुछ भी नहीं खा रहा था मैं, हेल्थ सिचुएशन उनकी ठीक नहीं थी। चलें, अब ऐसा है कि आज काफी रोजे गुजर गए, लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कि शादी के बाद समीना सहरी कैसे गुजारती है। मतलब मेरी भी शादी के मतलब पहले रोजे हैं ये शादी के बाद। जल्दी करें, टाइम थोड़ा रहेगा क्योंकि आटा भी गूंदना सब कुछ करना है। चले आ जाए, आज हमारे पास खाने में क्या क्या है। तो खाने में आज हमारे पास बहुत मजे की एक रेसिपी भी है जो कि अभी थोड़ी देर पहले शूट हुई है, और रमजान में रेसिपीज लेट नाइट तक शूट होती है, ऐसे क्योंकि इफ्तारी के बाद करते हैं ना इसलिए। तो रेसिपी इस कदर मजे की थी कि मैंने आज तक इतनी मजेदार रेसिपी नहीं खाई होगी। इतनी मजे की रेसिपी थी कि मुझे अपना परहेज छोड़ना पड़ा। तो वो रेसिपी क्या थी, पराठे पूरी पूरी पराठा और पूरी साथ पराठा में और गोला कबाब। गोला कबाब, तो गोला कबाब वो पड़े हुए पीछे वहाँ पे, साथ में इधर दाल है और मैं साथ बनाऊंगी पराठे और अंडे अंडे और साथ है हमारे पास जबरदस्त किस्म की दाल जो समीना ने पकाई थी रात को बनाई। हाँ, मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त है वो दाल, मैं पहले नहीं खाता था। इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी भी देखी होगी, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा होल्ड पे, बिल्कुल कर लें, जल्दी कर लें ताकि आपको रूटीन मिलती रहे, प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी मिलते रहे आपको। तो चलिए ठीक है, अभी जो है मच्छर आ गया है। अभी चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा गूंथ लेते हैं, समीना आटा गूंथ लेगी। चले फिर मैं अभी थोड़ी सी हेल्प करूंगा समीना की, और आपके साथ शेयर भी करूंगा कि हमारी रूटीन क्या है। तो यहाँ पर देखें समीना गूंथ रही है आटा, सबसे पहले मेन काम ही यही होता है। और क्योंकि बिलाल कहते हैं फ्रेश आटा गूंदो, बिल्कुल ऐसे रात को पड़ा हुआ भी आटा जो है ना वो नहीं, मैं क्योंकि ये आटा बहुत अच्छा है, उसी टाइम गूंद के भी आप रोटी पकाएं तो अच्छी पकती है ना, ऐसे ही है। इसको बस थोड़ा सा ही आटा गूंदना है क्योंकि हम दो लोग ही हैं, तीन की रोटियां परांठे बन जाएंगे है ना। सहरी में ना ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं हो सकती, तो पूरा दिन जो है ना मैं तो करता हूँ शुरू से। आप करते हैं, लेकिन इस बार तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ना, इस बार आपके लिए अच्छी बात है। आपने पहले जो है ना ज्यादा ज्यादा जो है वो मतलब कोई ख्याल नहीं रखा डाइट का, अब तो बीवी आ गई है वो तो खुआएगी। डाइट का ख्याल नहीं रखा क्योंकि कम खाना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। अब मैं करूंगा, अब मैं चाहे ठीक भी हो गया बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी ये बात कमेंट करके बताएं कि हेल्दी डाइट जो है ना इंसान को क्या कितनी जरूरी है, जरा बिलाल जो है ना कमेंट्स पढ़ेंगे फिर इनको पता चलेगा। तो शादी से पहले मैं सोचती होती थी आटा गूंदना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, कभी नहीं गूंदूंगी मैं। तो अब आप कौन सा काम सबसे मुश्किल समझती हो? अभी भी इसी को समझती हूँ। खाना बनाना आसान है, ये सबसे मुझे मुश्किल लगता है। रोटी पकाना, रोटी बनाना इजी लगता है, वो तो कोई बात नहीं। सदन जी देखें आप, तो इसको बाइंड कर लेते हैं अच्छे से, फिर थोड़ी देर रख के इसको अच्छे से जो है ना गूंद लेंगे। तो मैं ऐसे आटा गूंदती हूँ, हर एक अपना अपना स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी लोग कहेंगे कि पता नहीं कैसे आटा गूंद रही है, तो ये मैं तो ऐसे ही गूंदती हूँ, मैंने ऐसा सीखा है अपनी मम्मा से। तो चलें जी, आटा जो है सारा बाइंड हो चुका है ठीक है, और मेरे हाथों पे भी नहीं अब लग रहा, ये देखें। तो मैं इसको जो है ना अब अच्छे से थोड़ा सा और इसको करके ना बाइंड करके सारा जो लगा हुआ है इसको उतार के इसको रख दूंगी रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखें आटा हमारा गूंद चुका है, और यहाँ पे मैंने दो पेड़े बनाए हैं अभी फिलहाल। पहले मैं इनके पराठे बनाऊंगी,
सही है, जल्दी से हम इसके पराठे बना लेते हैं, क्योंकि पराठों को भी ना थोड़ी देर 2 मिनट के लिए इनको रेस्ट देना पड़ता है, मतलब देसी घी में। तो मैं देसी घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाऊंगी और यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये जो है वो रेसिपी बनी थी जो हम सहरी में खाएंगे। ये आमना आपी ने रेसिपी बनाई है, बहुत ही ज्यादा मजा, और इसके साथ पूरी पराठा भी है, वो आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और दाल भी आपको दिखाते हैं, वो गर्म करके दिखाएंगे। अब मैं फटाफट से जो है पराठे बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी आपको भी दिखाती हूँ कि मुझे पराठे किस तरह के बनाने आते हैं, बिलाल को कैसे पसंद है। कुछ लोग कहते हैं मैं हड्डा रहा हूँ, बिलाल को पराठे नहीं खिलाती हूँ, बिलाल को पराठे खिलाती हूँ, बल्कि नाश्ते में भी खिलाती है समीना का, मतलब नाश्ता भी चेंज कर करके देती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक नाश्ता नहीं करवाती, अंडा ब्रेड ही। तो चलिए जी, अब जल्दी से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देसी घी हमारा इतना सा रह गया तो बहुत अच्छा देसी घी है। तो चले जी, अब पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो चले जी, पेड़े को रख लिया है और ये जो पराठा है ना सारा का सारा, ये बिल्कुल वो किसी खुशके में नहीं बनता, इसको देसी घी में खुशके वाला तो मुझे पसंद नहीं ना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हाथों से पहले प्रेस कर लेंगे अच्छे से। तो बस पराठा तो मेरी जान है ना लेकिन अब ऐसा है कि मुझे डेली तो मैं खा नहीं सकता, खा तो सकता हूँ लेकिन अब जाहिर है इंसान परहेज करता है फिर, जब समझदार हो जाए जब शादी हो जाए तो जाहिर है फिर बीवी जो होती है वो जरा सी वो परेशान होती है कि मेरे बंदे को कुछ हो ना जाए गलत खाने से, तो वो फिर केयर करती है। ऐसे ही है। हाँ तो चलें, हम लोग भी पराठा खाते थे शहरी में, जो है ना हर घर में मुझे लगता है पराठे ही बनता है। तो अभी जो है इसको रैंडम बड़ा कर लेंगे पराठे को अच्छे से। ठीक है, अगर मैं नक्शा बना दूं, नक्शा बना दूं अगर मैं शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो होती है ना पराठे की सॉफ्टनेस और उसका क्रिस्पीपन वो होना चाहिए। अब लोगों ने कहना ये तो नक्शा इसने बना दिया, लेकिन ये अभी वो नहीं ना है, अभी तो ये इसका वो बनना है। इसको पहले अच्छे से जो है ना लंबा सा कर लें आप, फैला लें पूरे, और फिर उसके ऊपर जो है ना सारा का सारा जो है ना देसी घी जो है हल्का सा लगा दें, क्योंकि बिलाल को इतना ज्यादा देसी घी नहीं मैं देती, वैसे भी हेल्दी नहीं होता, थोड़ा ना मैं थोड़ा ही लगाऊंगी। ठीक है, अल्लाह करे अच्छे से बन जाए, नहीं इसमें अच्छे बुरे की क्या बात, हमेशा ही अच्छे बनता है तो इसको अच्छे से ले लेंगे यहाँ से ऐसे। दूसरा पराठा मैं दूसरे स्टाइल से बनाऊंगी, या ये जो है ये इनके घर में मतलब आमना आप इस तरह बनाती है, तो जो मामा बनाती थी ना वो भी मैं बनाऊंगी, दूसरे वाला जो है ना इस पर जरा सी मेहनत आई वाली। हाँ दूसरे वाला बड़ा ईजी है लेकिन वो भी अच्छा बनता है। हाँ दोनों अच्छे हैं, मुझे दोनों पसंद है, लेकिन ये थोड़ा सा ना इसमें वो होते हैं क्या कहते हैं लेयर्स होती हैं, बाल ज्यादा होते हैं, लेयर्स होती हैं, देखें ना लेयर्स, ये देखें लेयर्स, ताकि ये अच्छे से जो है ना रेस्ट दे देंगे इसको, इसी तरह दूसरा भी तैयार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलें जी, अब दूसरा पराठा देखते हैं कि समीना कैसे बनाती है। हाँ ये जो है ना ये काफी ईजी है, मामा इसी तरह बनाती होती है। चलें जी, इसके ऊपर देसी घी लगा दिया थोड़ा सा, ये मेरा है तो मैं तो बहुत कम लगाऊंगी, आप लोग पूछते हैं कि इतनी स्मार्ट कैसे हूँ, तो मैं बहुत कम कम खाती हूँ और ज्यादा चलती हूँ ऐसे ही है, है ना बिलाल। जब समीना मतलब शादी हुई ना, मैंने देखा समीना आधी रोटी खाती थी बस। हाँ बिलाल परेशान हो गए, मैं कहा ये क्या आधी रोटी। हाँ मैं इसका बनेगा क्या, इसको तो यहाँ से पकड़ के ना हम बारीक सी जो है ना ये लंबा सा ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने समीना को समझाया, फिर कहीं जाके समीना ने एक रोटी खाना शुरू की। बहुत कम खाती थी मैं, बहुत ज्यादा कम, इसलिए बारीक सी है। चलें जी, इसको लंबा सा करके आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ये देखें, देखें ये भी अच्छा मेथड है, ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये मुझे ज़रा ज़्यादा इजी लगता है। चले जी, दूसरा वाला जो रखा था उसको रेस्ट मिल गया होगा अच्छे से, तो आप इसको जो है हम पकड़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इसके ऊपर, साथ में जो है ना फ्लेम ऑन कर देती हूँ, इधर से निकल रहा है। तो तवा मैंने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है इसको बेल लेती हूँ। तो बिलाल भी यहाँ है, आप सोच रहे होंगे बिलाल भाई नज़र ही नहीं आ रहे
आप लोग शुरू में परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं समीना को गोल रोटी पकानी नहीं आती, नक्शा बना दिया है, लेकिन वो जस्ट पराठे को रोल करने के लिए था। तो मैं थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ देसी घी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बिलाल ने मुझे कहा है कि ना थोड़ा डाल, ज़्यादा ना डालना, ठीक है। तो यहाँ पर फूड ऑन करना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है पराठे का। तो ये देखिए ज़बरदस्त पराठा रेडी है, नरम सा और बिल्कुल भी बिलाल को ना जला हुआ पराठा नहीं पसंद। और ये जो है पराठा अब रेडी हो चुका है, मैं इसको निकालती हूँ। और ये देखिए आप कितना सॉफ्ट, अब देखें खाने में पता नहीं कैसा होगा, नहीं अच्छा होता है। इसमें ना पढ़ के इसको इस पे निकालते हैं तो ये जो छाबी होती है ना पुराने जमाने में, मतलब बचपन में हम इस पर रखा करते थे। बिल्कुल, इससे ये होता है कि वो सॉफ्ट नहीं होती रोटी, नीचे से ना पानी नहीं छोड़ती, पानी नहीं, मतलब उसको पानी नहीं आता, प्लेट भाप होती है जो जी। अब जो है मैं अपना वाला पराठा जो है वो रेडी कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम जो है वो कम है। चलिए बिस्मिल्लाह। तो मैंने अपने लिए छोटा सा पराठा बनाया क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खा सकती। पूरा खा ले बहुत बात है समीना जी, बीच में से मुझे खाना पड़ना। तो चलिए जी इसको अच्छे से बेल लेते हैं। मेरा जो है वो छोटा सा पराठा जो है ना वो डाल दिया मैंने तवे पे। और इसको मैं बिल्कुल देसी घी नहीं लगाऊंगी, इसको मैं बस अंदर जो है ना देसी घी लगा देती हूँ जब इसको रोल करती हूँ। अब ये बिल्कुल देसी घी के बगैर ही बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको रेडी करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह का पराठा खाती हूँ। उसके बाद जो है कबाब गरम करते हैं, दाल गरम करते हैं, मज़े से खाते हैं, फिर चाय बनाएंगे। मैं भी इधर ही हूँ, आप लोग परेशान हो जाएंगे बिलाल किधर चला गया। और फिर आप लोग कहते हैं समीना ही बोलती रहती है, बिलाल मुझे कहते हैं तुम बोलो बस। मेरी बात सुने आप, कुकिंग का मामला है तो लड़की जो है उसका काम है, तो मैंने उसी को दिखाना ना, बोलना भी लड़की ने है। नींद भी बहुत आ रही है इस टाइम, रात को मतलब सो तो सकते नहीं है सहरी से पहले, तो बस रेसिपी शूट करते हैं, दूसरे काम करते हैं, फिर सहरी का टाइम होता है, फिर सहरी के बाद खाना खुना खाते हैं, वॉक वगैरह भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सो के फिर आपको पता ही है फिर लेट उठना होता है, फिर जोहर की नमाज हो जाती है, फिर उसके बाद दूसरे काम करते हैं अपने जो एडिटिंग वगैरह या दूसरे, और समीना अपने ऑफिस का काम करती है, और उसके बाद साथ ही फिर अफ्तारी हो जाती है। यही रूटीन है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम अफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, इफ्तारी की। और फिर दावत भी होगी, हम लोग दावत पे भी जाना है जाहिर है फिर। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि जाहिर है कि जब रमजान 10 गुजर जाते हैं, 10-15, फिर उसके बाद दावतें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद ईद आ जाती है करीब ही, फिर ईद पर ईदी मिलती है। और मुझे इस बार क्या ईदी मिलेगी? बहुत बड़ी ईदी मिलेगी समीना को इंशाल्लाह, बहुत बड़ी। चलें जी, मेरी यहाँ पे भी पराठा रोटी तैयार हो चुकी है, रोटी पराठा। तो बिलाल का पराठा है, मेरी रोटी पराठा है, मतलब अंदर घी या बाहर घी नहीं। हाँ, अब कबाब गरम कर लेते हैं, दाल जो है हमारी ठंडी हो चुकी हुई है। हाँ, इसको गरम कर रहे हैं इसको। अब आप लोग ये कमेंट ना करें कि ये दाल ऐसी क्यों है, ये साइड में लगी क्यों है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हर घर में ऐसा होता है। पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं कि किचन गंदा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ज्यादा बिलाल के सफाई का शौक है, बहुत ज्यादा। और बिलाल जो है ना, मतलब इतने ज्यादा सफाई पसंद है कि मतलब मुझे भी जो है ना, बिलाल वाइफ उसी तरह होती है बिल्कुल। आप हाँ, आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि ये किचन गंदा हो सकता है। वो तो बाय चांस अगर कोई बीमार हो या ऐसा हो, तो हमने वीडियो भी उसी टॉपिक पर बनाई थी कि हम रूटीन हमारी बिजी हो गई है, तो काफी फिर ऐसे चीजें थी। तो चलिए अब इस बच्चे के आटे को जो है इसमें डाल देते हैं, डिब्बे में, डिब्बे में डाल देते हैं, ये देखें, क्योंकि इसका ढक्कन ये है, ये फ्रिज में जाएगा। और यहाँ पर दाल जो है वो गर्म हो चुकी है और गाढ़ी भी हो गई है ना। गाढ़ी हो गई, आपको गाढ़ी पसंद है ना? हाँ, इतनी तो होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद कबाब है, वो भी गर्म करते हैं, वो ये हैं कबाब, ये वाले तीन को भी गर्म करते हैं, तीन, दो मेरे, दो समीना के, एक किसका। तो
चलिए दाल को निकालते हैं प्लेट में। ओहो जबरदस्त दाल है। यहाँ पे एक अंडा भी फ्राई करना है क्योंकि बिलाल जो है अंडे के बगैर सहरी नहीं करते। ठीक है, तो अंडा तो मस्त है ना। समीना ने खाना है अंडा? नहीं जी, मैं नहीं खाऊंगी। चलें फिर एक अंडा बना लें। पानी चला गया। हो जाता है कभी कभी ऐसा, देसी घी होता है ऐसा। हाफ नहीं, फुली फ्राई खाता हूँ, लेकिन उस तरह का खाता हूँ, मतलब कि कोई बात नहीं, इसको तोड़ भी जाए कोई खाया जाए, मैं खा लेता हूँ, मैं मिला जुला ही खाता हूँ, कोई बात नहीं। मुश्किल से ही पलटा गया क्योंकि मैं इस चम्मच से कर रही हूँ। अंडा जो है रेडी हो चुका है हाफ फ्राई, और साथ में आप इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। अब देसी घी का काम हो चुका है ख़त्म। अब है बारी कबाब की। कबाब जो है वो गर्म हो रहे हैं। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है कबाब की। बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और इसके साथ जो इसका पूरी पराठा है वो पूरी पराठा भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, गर्म हो चुके हैं, इसको प्लेट में निकालते हैं। लाल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, चाय मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि चाय मेरे से बेहतर कोई नहीं बना सकता। तो चले जी, तैयार है हमारी यहाँ पे सहरी। ठीक है, और ये है हमारी सारी सहरी, और अब हम इसको खाते हैं और जाते हैं अंदर, और चाय बाद में पियेंगे। ठीक है, बाद में बनाऊंगा चाय। चले ठीक है, तो चले बिस्मिल्लाह करके हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है पूड़ी पराठा, ये चेक करें आप, कितना क्रिस्पी और कितना, मैं कहता हूँ ये देखें, सॉफ्ट है, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह ये पराठा तो बहुत ज़बरदस्त है ना, यानी कि ऑयल घी घी भी कम और ज़बरदस्त सॉफ्ट टूटने में। कैसा है? तो मैं अभी खाना स्टार्ट करता हूँ। ज़बरदस्त, वेल डन समीना। थैंक यू बिलाल, बहुत ज़बरदस्त पकाया आपने। बिलाल की दाल बहुत अच्छी है, मतलब तारीफ करते हैं। और एक ये भी है, नहीं पसंद आता तो कहते हैं मैंने नहीं खाना। चलें बस अब आपको सहरी खा के मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।